पोस्ट बाजार में श्री गिरिराज प्रसाद से मिलकर मेरी बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा हो गईं, क्योंकि वो यहाँ पर बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन, जो हम भी बचपन में खूब कोशिश तो करते थे लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं होती थी। तो सबसे पहले देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये बन रहा है। देखिए इसको देखना बहुत आसान है और हमें लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, बहुत ही मुझे नहीं लगता, मैं तो 5 मिनट में इनको ऐसे बर्तन बना के दे दूंगी, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। सर वेलकम टू एबीपी लाइव। मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है और मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने में भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड प्राप्त हो चुका है। और जो ये काम है मिट्टी का, ये हमारे 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है और मैं 4थी पीढ़ी में हूँ। और जो काम पहले होता था पुराने टाइम का, उस काम को बदल करके मैंने नए नए डिज़ाइंस जो आप देख रहे हैं, काफ़ी तरह के डिज़ाइन बदले हैं इसमें, और किचन वेयर से लेकर के घर की साज सज्जा और सभी प्रकार के काम इसमें डिज़ाइन मैंने बनाए हैं। और नतीजे इसमें खास बात यह है कि जो G20 में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और हमारी जो संस्कृति आपको सामने दिखाई दे रही है और सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं यहाँ पे और अच्छे से हमारी कला को देख करके खरीद भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि G20 के माध्यम से जो है ये हमारे काम के लिए और हमारे हैंडीक्राफ्ट के लिए एक बिजनेस का रास्ता भी खुलेगा और बहुत आदान प्रदान का काम भी किया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा लगाया है और वोकल फॉर लोकल से जब से इस काम को जोड़ा है, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के कारीगरों को जो वजीफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि पिछले कई 100 साल से भी जो इजाफा नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। और मिट्टी के बर्तन में जैसे कि बड़े बड़े पॉट्स हो गए, बड़ी बड़ी पॉटरी हो गई, लैंप हो गए, वाज हो गए, और बल्कि जो दिए का है, दिया तो इतना फेमस हो गया है हमारे यहाँ से, जो कि जो अपने राम मंदिर बन रहा है उसके लिए भी हमारे यहाँ से दिए काफ़ी मात्रा में गए हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्या बचपन में किसने आपको सिखाया, और क्या जब पहली बार इस तरह के बर्तन आप बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो टूटे, कितना टाइम लगा, अलग शेप बन गया, कुछ और बनाना चाहते थे कुछ और बन गया? या हम बचपन से ही जो है ना, हमारे पापा काम करते थे तो हम खेल खेल में थोड़े थोड़े बर्तन बनाया करते थे, तो छोटी छोटी चीज़ें कई 100 पीस हमने तोड़े हैं और बिगाड़े हैं। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि जैसे जितना हम बनाते गए हमें एक्सपीरियंस होता गया और उसके साथ साथ वो पॉटरी में हमारा हाथ सेट हो गया और पापा भी हमें बताते थे कि ये चीज़ इस प्रकार नहीं, इस प्रकार बनेगी, और बनते बनते आज इतनी बढ़िया पॉटरी और हाथ का जो बैलेंसिंग है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं सर देख सकती हूँ जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल बना रहे हैं उसके आगे आपने ये छोटे छोटे साइज़ वाइज मटके रखे हैं, ये आपने खुद इस मशीन से बनाए या हाथों से बना दिए? ये एक सारा जो है ना, ये पॉटरी व्हील से बना है और हम जो है अब इतना हमें इसमें नॉलेज हो गई है कि मटर के दाने से लेकर के, और स्वाति जी हम 10 फुट तक के पीस बनाते हैं, अब 5 फुट, 8 फुट, 10 फुट, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। और भारत सरकार हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से मुझे 4-5 बार विदेश जाने का भी मौका दिया है, जहाँ भी हमने डेमो करा है और वहाँ पर सेल भी करा है, और भारत के तरफ से हम हमारी कला का नेतृत्व करके आए हैं। कितना वक्त लग जाता है अगर कोई सीखना चाहे सर? ये एक बहुत काम ज़्यादा मुश्किल है, इसको देखना बड़ा आसान है और बनाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 4 से 5 साल, जैसा कि लोग PhD कर जाते हैं, उतना ही समय इस काम में लगता है मिट्टी के बर्तन बनाने का। अच्छा सर, कहीं ना कहीं हमारे देश में इस आर्ट फॉर्म के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और ये चीज़ें विलुप्त होते जा रही हैं, क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण क्या है कि जो नई जनरेशन है वो काम जो मेहनत का है वो कुछ कम करना चाहती है, और जो हमारे जो बच्चे हैं जैसे हमारी जनरेशन है वो भी इससे भाग रही है। मगर हमने एक उसका एक विकल्प निकाला है कि जैसे हम पहले व्हील डंडे से घुमाया करते थे, मिट्टी पैरों से बनती थी, अब इसके लिए सब में मशीनीकरण आया है और बिजनेस का पॉइंट भी जो है ना ऑनलाइन द्वारा इसमें खोला गया है, तो इससे अब नई जनरेशन दोबारा इंटरेस्ट लेने लगी है और काम में जो है ना हमारा साथ दे रही है। अच्छा, जो G20 में विदेशी मेहमान आए यहाँ पर, वो देखकर तो मुझे लगता है रुके होंगे, आश्चर्यचकित होंगे, किस तरह का रिस्पांस था? विदेशी मेहमान जो है ना, हमारी ये जो आपके सामने रखे हैं जो स्मॉल वाले पीस, वो देख करके एकदम वाह बोलने लगे और कहने लगे कि बहुत पहली बार हमने ये देखा है, इतने छोटे पॉट हमें कभी बनते नहीं देखे लाइव में, और बहुत बढ़िया उन्होंने जो है इतना सराहा है हमारी कला को, वो आपके सामने ही है। का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप इस मंच के लिए? मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन और G20 का जो ये प्रोग्राम रखा है, इसी के द्वारा ये सारा जो मिशन तैयार हुआ है
मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा सारे शिल्पकारों की तरफ से, हैंडीक्राफ्ट की तरफ से। और एक और बता दूँ मैं नई पहल आपको, विश्वकर्मा डे के लिए उन्होंने 19 सितंबर का प्रोग्राम रखा है जो कि हमारे बाजू में द्वारका में है, और वो ये आर्टिजनों के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ी पहल है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।